और यहाँ भी आज करेंगे पूजा, जो हमारे साथ नहीं है उनके उनके लिए पूजा की जा रही है। गोत्री का हम लोग खाएंगे, हाँ अपने गोत्र का दूसरे लोग। तो आज है जितिया का नहाए खाए, तो माँ पूजा करने के लिए ऊपर गई हुई है, और पूजा करने से भी पहले पितरों की पूजा की जाती है आज के दिन। तो वो माँ ने किया है, तो माँ बोली कि जाके प्रणाम कर लो, तो चलते हैं प्रणाम करेंगे। फिर नहा के भी माँ ऊपर गई है, तो ऊपर भी पूजा करेंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे। हम लोगों के इधर ऐसा होता है कि गंगा जी में तेल सिंदूर ऐसा चढ़ाया जाता है, यहाँ पे तो गंगा जी है नहीं, इस वजह से बाल्टी में पानी डाल करके ऐसे चढ़ाती है माँ। बाकी हम तो देखे नहीं है आज तक ऐसे चढ़ाती है, पूजा करके ऊपर चली गई माँ। तो अब चलते हैं ऊपर, माँ ने कैसे पूजा किया पूछेंगे, बाकी आप लोगों को भी बताएंगे। और आपके यहाँ जितिया पर्व होता है या नहीं होता है कमेंट बताइएगा। हमारे यहाँ तो बहुत अच्छे से होता है और बहुत कठिन पर्व माना जाता है। A few moments later, यहाँ पे आ गई माँ नहा करके, और यहाँ भी आज करेंगे पूजा। बाकी यहाँ पे है हमारे लड्डू गोपाल, अभी तो माँ पूजा कर रही हैं, जब पूजा कर लेंगी तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। 12 seconds later, ये देखो ये हमारी माँ नानी, याद रखना ठीक, बाया से है माँ नानी का, जो गोविंद प्रसाद खाएगा ठीक, घर का लोग नहीं खाता था, बाहरी व्यक्ति जो बच्चा दूसरे मूल गोत्र का वो बच्चा अपनी गोत्र का आदमी नहीं खाता है, वो है माँ का। हाँ हाँ, ये हमने खानदान का लोग खाएगा, ये जो है मेरी माँ, हम समझ, मेरी सास और मेरी ददिया सास, हाँ, वो हम लोग नहीं खाएंगे। हाँ इस खानदान का लोग नहीं खाएंगे। तो इसमें ऐसा होता है कि ना कि मतलब पितरों की पूजा की जाती है और माँ की सास नहीं, तो माँ खाली तेल चढ़ाए आप ना, अगर रहती तो नहीं चढ़ाती। और बाकी यहाँ पे जो हमारे साथ नहीं है उनके उनके लिए पूजा की जा रही थी, यहाँ पे माँ अपने मम्मी और नानी के लिए पूजा कर रही है, उधर सासू माँ के लिए पूजा कर रही है जो जो नहीं, और जो जिसके लिए पूजा की जा रही है ना वो उसका प्रसाद उसके फैमिली वाले नहीं खाएंगे, अलग के फैमिली वाले खाएंगे, गोत्री का हम लोग खाएंगे, हाँ अपने गोत्र का दूसरे लोग। मतलब प्रसाद मतलब दूसरे लोग नहीं, हाँ। आप लोग अदरवाइज नहीं लीजिएगा, हाँ। मतलब इस खानदान का नहीं, हाँ। जो दूसरे खानदान का मेरा रिश्तेदार है, मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है, वो खाएगा। यहाँ पे पूजा करेंगे, और आज जो है ना आज चढ़ता है चूड़ा दही, उसके बाद खज्जी केला इस सब तरीके का चीज चढ़ता है, और पूजा करेगी माँ तो फिर आप लोगों को बताएं। 30 वर्ष के बाद हम चूड़ा दही चढ़ा रहे हैं, मेरा बेटा 30 साल का हो गया, 30 वर्ष के बाद हम चढ़ा रहे हैं चूड़ा दही, और इससे पहले हम नौकरी के आवाजाही और क्या कहेंगे समय कम रहने के चलते फल और मिठाई ही भगवान को भोग लगाते थे, आज हमको लगता है उनके दया से हमको समय मिला है तो चूड़ा दही का प्रसाद हम चढ़ा रहे हैं, प्रभु की दया होगी तो जरूर उनके चरण में समर्पित होगा, और उनके दया दृष्टि रही तो हम सब दिन पूजा करते रहेंगे, ताउम्र हम जितिया करते ही भगवान से प्रार्थना करते, और हर सज्जन स्त्री पुरुष को जितिया नसीब हो, कि जितिया बहुत सौभाग्य का बात है, जिससे देश संतान है वही औरत जितिया करती है, मतलब जितिया मतलब जिनको संतान है वही करते हैं, और आप में से बहुत लोग कहते होंगे कि तुम क्यों नहीं करती, तो अभी माँ ने हम लोगों को मना किया है क्योंकि जितिया पर्व जो होता है ना बहुत कठिन होता है, तो माँ बोली, और जब एक बार स्टार्ट करता है तो छोड़ता नहीं है, तो माँ बोली कि अभी तुम लोग बहुत छोटी हो तो अभी मत करो, थोड़ा जब एज हो जाएगा तब करना है ना माँ। सभी इस बात का जवाब भी हम आपको दे रहे हैं भगवान के मंदिर में, जो दिन रात हम सबके लिए दुआ मांगते हैं भगवान से, तो ये बात नहीं है कि हम अपने बहू के लिए दुआ नहीं मांग रहे हैं, और जहाँ तक कोई भी पर्व की बात है तो हम अपना बेटा के लिए करते हैं, तो पोता उसमें वंचित नहीं है, वही है, जब तक हम रहेंगे और ये लोग का बाल बच्चा बड़ा हो जाएगा, सब स्कूल पहुंच जाएगा, तब जब हम हार जाएंगे तो ये लोग को समर्पित कर देंगे, अभी तो हम खुद कर रहे हैं, और हम अपना पति बेटा पोता भाई भतीजा सकल समाज के लिए ईश्वर से दुआ और क्षमा की भीख मांगते हैं, इसलिए हमको लगता है कि हम जो बोलते हैं प्रभु सुनते हैं।
पूजा हो गया और आरती कर रहे हैं। मैं तो कर्पूर बुझेगा वही तो करेंगे क्या, माँ का साड़ी बहुत सुंदर, भगवान छोड़ करके दुनिया डुप्लीकेट हो गया। 10% इंसानियत है तो तब तो दुनिया चल रहा है, 10% तो जरूर है इंसानियत, उसी आधार को दुनिया चल रहा है। प्रभु हम तो कुछ नहीं जानते हैं, ना हमको पूजा का विधि आता है, ना मंत्र और ना तंत्र, कुछ नहीं आता है, क्योंकि किताब में जो पढ़े जो बड़े बुजुर्गों के मुँह से सुने उतना को ही हम फॉलो कर रहे हैं। हमको लगता है कि आपकी दया होगी तो आप स्वीकार करोगे, क्षमा याचना के भीख मांगते हैं, संपर्क करेगी। और आज हम भगवान के मंदिर महात ठाकेश्वर से प्रार्थना करते हैं, संसार की कोई भी सज्जन स्त्री अपने बेटा के लिए नहीं काने, और सबका बेटा आज्ञाकारी हो, माँ बाप की बात पर हमेशा चले, जैसा भगवान की दया से आज के युग के अनुसार मेरा बेटा सब बहुत अच्छा है, और भगवान करेंगे तो सबके बेटा इसी तरह होगा। और हम नहीं कहते मेरा बेटा ही सबसे अच्छा है, सबका बेटा अच्छा है, और भगवान से प्रार्थना करते इसी तरह सब माँ बाप अपने बेटा से जुड़ाते रहे, अरमान पुराते रहे। और इससे वैसे हम क्या कहेंगे, भगवान से क्षमा और दया की भीख मांगते हैं, जो जहाँ है वह वहीं सुखी रहे, खुशी रहे, और हम कुछ नहीं कह सकते हैं। और आज से अपना व्रत का हम शुरू करते हैं, और आज से दो दिन का व्रत रहेगा ना, आज तो नया मिला जुला के व्रत हो, आज 3 बजे सुबह से, कल सुबह से लेकर के परसों शाम तक, जब तक अष्टमी रहेगा तब तक है, 5:30 बजे के बाद शाम में 5:30 बजे के बाद। अब जिनका व्रत है वही पार लगाएंगे, ठाने बंदा पुरावे राम पुरा देंगे, इसलिए हर चीज तो उन्हीं के भरोसे ठाना गया है। आज जहाँ तक प्रसाद है इसमें उधर हम अपने भगवान जिनको रोज पूजा करते हैं उनके लिए है, ये हमारे अपने ननिहाल और मेरा ससुराल पक्ष। A few moments later, पूजा संपन्न हो गया, अब मेरे सभी बच्चे भगवान के दरबार में हाजिरी देंगे, और मैं तुलसी में जल चढ़ाने जा रही हूँ, वहाँ से आएंगे तो प्रसाद उठा करके सब लोग आप प्रसाद खाएंगे।